क्या आपको पता है बीगल का सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन से 10,000 टाइम्स तक बेटर होता है। ऐसी बीगल से संबंधित और अमेजिंग फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में, और प्लीज वीडियो पूरी देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पहचाने कि आपका पप्पी प्योर बीगल है या नहीं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस रेड बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉग्स पेरेंटिंग की फैमिली का पार्ट बने। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। बीगल एक स्मॉल साइज के डॉग होते हैं और ये काफी एनर्जेटिक और काफी फ्रेंडली होते हैं। पहले के टाइम में इनको हंटिंग के लिए यूज किया जाता था क्योंकि ये हाउंड डॉग ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है नॉर्मल डॉग से भी, और फिर इन्होंने एज अ सर्च एंड रेस्क्यू के तौर पर भी काफी ज्यादा ह्यूमंस की हेल्प की है। अभी के टाइम में कई कई जगह तो बीगल को कैंसर डिटेक्ट करने के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है क्योंकि इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर ऑन पेपर बात की जाए तो एक एवरेज बीगल के अंदर लगभग 225 बिलियन सेंट रिसेप्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये काफी लो मेंटेनेंस होते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पूरा दिन उनके साथ बिना थके खेल सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो भी आपके लिए बेस्ट डॉग है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट डॉग है क्योंकि ये काफी अपार्टमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और इन्हें ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके साथ साथ बीगल अपने शरारती नेचर की वजह से भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, या फिर ये कहूँ कि थोड़े से बदनाम है, क्योंकि बीगल जो होते हैं वो बहुत ही प्लेफुल होते हैं और अगर आप इनके साथ प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, मतलब कि कम से कम आधा एक घंटा इनके साथ नहीं देंगे, तो ये थोड़े से परेशान हो जाएंगे और जाते हैं बीगल के ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट पे। तो बीगल का जो कोट होता है वो शॉर्ट और डेंस और सॉफ्ट होता है, इनको बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती, सीजनल ये शेड होते हैं। इन्हें बाहर बहुत ज्यादा खेलना कूदना पसंद होता है इसलिए कई बार ये गंदे होके आ सकते हैं और बार बार नहलाना पड़ सकता है, अदरवाइज बीगल जो है ग्रूमिंग में बहुत ईजी है। ऐसे तो बीगल कई सारे अलग अलग कलर्स में पाए जाता है जिसकी मैं आपको फोटो लगा देती हूँ, लेकिन बीगल का मोस्ट कॉमन दिखने वाला कलर है ब्लैक एंड टैन कलर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीगल के हेल्थ केयर की बात की जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनमें जनरली देखी गई हैं, जैसे हिप डिप्लेशिया, एलर्जी, ओबेसिटी, चेरी आई प्रॉब्लम और हाइपोथायरायडिज्म। मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती हैं प्रिवेंटेबल होती हैं और क्योरेबल होती हैं, जैसे एलर्जी रिएक्शन, चेरी आई और ओबेसिटी। रही बात हिप डिप्लेशिया की, तो हिप डिप्लेशिया कई बार जेनेटिकली भी होता है और कई बार इसके और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से एक रीजन के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है तो ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको टच करके भी वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बीगल के ट्रेनिंग के बारे में बात कर लें तो बीगल जनरली काफी इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि काफी मूडी डॉग भी होते हैं। खेलना कूदना, शरारत करना, ये चीजें इनको ज्यादा पसंद होती है दूसरों की बातें मानने से ज्यादा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप बीगल के साथ थोड़ा सा प्यार से बिहेव करेंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव वे में ही इनकी ट्रेनिंग कराना चाहेंगे, खेलते कूदते ट्रेनिंग कराना चाहेंगे, तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब जान लेते हैं कि बीगल को आप पहचानेंगे कैसे कि ये रियल बीगल पपी है या नहीं। बीगल वैसे एक स्मॉल डॉग होता है, ओवरऑल एक एडल्ट बीगल जो होता है वो 33 से लेके 40 सेंटीमीटर टॉल होता है। इसके साथ साथ बीगल के हेड पे हमेशा व्हाइट कलर का मार्क होता है, किसी किसी के थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, किसी के थोड़ा कम होगा, मतलब ये जो व्हाइट स्ट्राइक है ना ये जरूर होगी। बीगल के जो पॉज होते हैं यानी पंजे होते हैं ये हमेशा व्हाइट कलर के होते हैं, चारों पंजे ही व्हाइट कलर के होंगे, किसी के व्हाइट कलर ज्यादा हो सकता है, किसी के थोड़ा कम हो सकता है। साथ साथ बीगल की टेल जो होती है ऊपर की तरफ उठी बीगल जो होता है उसके टेल के टिप पे हमेशा व्हाइट कलर की मार्किंग होती है, यानी व्हाइट कलर होता है, वही किसी के ज्यादा टेल पे व्हाइट कलर हो सकता है, किसी के कम हो सकता है, लेकिन एंड पे व्हाइट कलर जरूर होता है। बीगल की आईज जो होती है वो भी बड़ी बड़ी सी होती है और आलमंड शेप की होती है और हमेशा डार्क ब्राउन कलर की या हेजल कलर की होती है। इनके आईज के आसपास ब्लैक कलर का डार्क कलर का रिम होता है। साथ साथ बीगल के ईयर्स जो होते हैं नीचे के तरफ ही होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े ईयर्स होते हैं, इनके जो चीक्स होते हैं उसको बिल्कुल टच करते हो उससे भी नीचे तक इनके ईयर्स आते हैं। बीगल के जो ईयर होते हैं जो उसका एंड होता है वो हमेशा राउंड होता है, कभी भी उसमें ट्रायंगलपन जैसे जर्मन शेफर्ड में होता है इसमें ऐसा ट्रायंगलपन कभी भी नहीं होगा। ओवरऑल बात करें तो बीगल जो है काफी फ्रेंडली डॉग है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, फ्रेंडली होते हैं। हाँ, थोड़ा सा बचपन में सोशलाइजेशन की जरूर इनको जरूरत है जिससे कि थोड़ा सा बॉसीपन ना आ जाए। काफी अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग होते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है इन्होंने, तो अगर आपको शांत रहने वाला डॉग पसंद है तो बीगल आपके लिए बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं है, क्योंकि बीगल को बार्किंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसको हॉलविंग कहते हैं।
तो बीगल परफेक्ट फैमिली डॉग है, स्मॉल साइज में, काफ़ी अपार्टमेंट फ्रेंडली भी है, बच्चों के लिए भी परफेक्ट है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी परफेक्ट है, अगर ट्रैवल नहीं करते घर में अकेले रहते हैं तो भी आपके लिए ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीगल एक काफ़ी एनर्जेटिक डॉग है, इनको खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप एक एक्टिव पर्सन नहीं है तो बीगल आपके लिए सही डॉग नहीं है। वहीं पर अगर आप एक एक्टिव पर्सन है, अपने बीगल को आधा एक घंटा दे सकते हैं खेलने के लिए, तो बीगल आपके लिए सबसे बेस्ट कंपेनियन डॉग है स्मॉल साइज डॉग के अंदर। तो बीगल एक लो मेंटेनेंस प्लेफुल डॉग है एक्टिव फैमिलीज के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो डॉग ब्रीड बीगल के बारे में। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो वहां पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप भी एक बीगल पेरेंट है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, जिससे जो लोग बीगल पालने वाले हैं उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए और हमें भी जानने को मिलेगा। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और आप इस डॉग्स पेरेंटिंग की फैमिली का पार्ट बन गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।